आज सेकंड स्कूल की तारीफ ना सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे इंडिया में हो रही है, और इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है हमारे स्टूडेंट्स को जाता है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स की वजह से ही हमारी पहचान है। यहाँ पर ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो अंडर प्रिविलेज हैं, ऐसे जगह से आते हैं जहां पे अच्छी शिक्षा इनको नहीं मिल पाती क्योंकि ये अच्छे घर से बिलोंग नहीं करते। ज्यादातर बच्चे छोटे गांव से हैं, छोटे शहरों से हैं, छोटे स्कूल से हैं, छोटे जिले से हैं, और लेकिन इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। ये मेहनती है, हम तो सिर्फ इनको एक साधन दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, पूरा मेहनत जो है वो सिर्फ इनका है। आपने भी 10th का बोर्ड दे दिया होगा और आपके भी कुछ सपने होंगे, आप भी शुरू से ही कुछ सपने बुन रहे होंगे कि 10th के बाद मैं अच्छे जगह से 12th करूंगा, मैं JEE करूंगा, मैं नीट करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं एनडी ऑफिसर बनूंगा, है ना। और कई बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं, तो 10th के बाद अक्सर बच्चे कुछ गलतियां करते हैं। ये पूरा का पूरा अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। 10th के बाद बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, जैसे 10th का एग्जाम होता है, 10th और 11th के बीच में ना 1.5-2 महीने का गैप होता है, और वो स्टूडेंट्स पूरा अपना टाइम बर्बाद करते हैं सिर्फ ये सोचने में कि हम कहां से पढ़ाई करें, हमारा रिजल्ट आएगा तो हम पढ़ना शुरू कर देंगे। नहीं, जितनी जल्दी हो सके पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका कंपटीशन ऐसे बच्चों से है जो बड़े बड़े शहरों में 6th क्लास से ही उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिस एग्जाम में आप बैठने वाले हैं। तो इसी कड़ी में हम आज एक ऐसी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं जो आपके हर प्रॉब्लम का समाधान है। और आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि पता नहीं मेरे फैमिली के पास तो इतना पैसा है नहीं, मैं बड़े जगह पे जाके और बड़ी बड़ी कोचिंग में कैसे एडमिशन लूंगा। तो आइए, ये अनाउंसमेंट आप ही के लिए है। हम 11th प्लस JEE, 11th प्लस नीट और 11th प्लस NDA शुरू कर रहे हैं 10 अप्रैल से। 10 अप्रैल से हम शुरू कर रहे हैं, और जितनी जल्दी पढ़ना शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप देखेंगे ना 10th के मुकाबले 11th का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। और ना सिर्फ हमें 11th की पढ़ाई करनी है बल्कि हमें JEE नीट और NDA की भी तैयारी करनी है और खुद को साबित करके दिखाना है, है ना। और इसके लिए जो पहले 50 बच्चे हैं, यार पता है आपको सेकंड स्कूल जो है ना वो अपने कम से कम फीस और अपने बेस्ट क्वालिटी के लिए जाना जाता है। सो पहले 50 बच्चों के लिए जो फीस होगी वो 14,999 होगी। पता है हम जब तक नहीं थे तब तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि 14,999 में कोई बच्चा JEE कर सकता है, कोई बच्चा नीट कर सकता है, कोई बच्चा NDA कर सकता है। लेकिन हमारा एजेंडा कुछ और है। हम झारखंड के छोटे गांव के, छोटे जिले के हर उस बच्चे तक पहुंचना चाहते हैं जिस तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रहा, और इसका एकमात्र साधन ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ये सिर्फ पहले 50 बच्चों के लिए है, क्योंकि हम सीरियस बच्चों को पहले एनरोल करके उनको बहुत तेजी से ट्रेन करना चाहते हैं। और उसके बाद जो ये फीस है वो 17,500 हो जाएगी। आप अपना सीट जो है 999 रुपए देकर बुक कर सकते हैं। ये नंबर जो आपको मिल रहा होगा इस पर नंबर पे कॉल कीजिए, आप इंक्वायरी कर लीजिए। आपको मिलेगा क्या क्या, तो आपको इसके साथ टी शर्ट, बैग, स्टडी मटेरियल, सब कुछ मिलेगा जो आपको बाहर में जाकर मिलता है। और हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स, जो आपको JEE पढ़ाएंगे वो JEE क्वालिफाइड होंगे, जो आपको नीट पढ़ाएंगे वो नीट क्वालिफाइड होंगे, जो आपको NDA पढ़ाएंगे वो NDA क्वालिफाइड होंगे। तो आपके शहर में ये फैसिलिटी सिर्फ आपके लिए है, तो आप एनरोल कर सकते हैं खुद को। हम 10 तारीख से शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे एडमिशन तो आ भी चुके हैं पहले ही। और इसके साथ ही बहुत हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो पिछले साल हमें छोड़ दिया था, इस साल आपने 12 शुरू किया, तो क्या 11 शुरू करेंगे क्या? हाँ जी, हम 11 में शुरू करेंगे हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम में हमारे पास बहुत कम सीट है, सबको पता है जो हमें जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही बिल्डिंग है, हम दूसरा बिल्डिंग ले रहे हैं, और बहुत ही लिमिटेड सीट होता है हमारे पास। और हम वीडियो रिलीज करते हैं, लोगों को, बच्चे को बताते हैं, और हमारा सीट तुरंत फिल हो जाता है। तो प्लीज लेट मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में ना फिर आके कोई बच्चा आके ये कहता ना कि हमें पढ़ना है, अपनी मजबूरी बताता है, उसको मना नहीं कर पाते और जगह की वजह से मना करना पड़ता है तो बहुत बुरा लगता है हमें, है ना। तो 11th भी हम शुरू कर रहे हैं, और 11th हम शुरू कर रहे हैं 16th ऑफ अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। और इनकी जो पहले 50 बच्चों की जो फीस होगी, पहले 50 स्टूडेंट्स की जो फीस होगी वो अर्ली बर्ड ऑफर है ये, और ये होगा 9,999। सारा फीस एक ही बार में नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मुझे पता है, मैं मेरे किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, मुझे पता है कि एक बार में 10,000 निकालने में, एक बार में 5,000 निकालने में भी बहुत दिक्कत आ जाती है। वो आप नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर लीजिएगा। उसके बाद ये फीस बढ़कर 11,500 हो जाएगा। खैर, मुझे पता है कि ये फीस भी बहुत कम है, लेकिन आप जल्दी आ जाएंगे, जल्दी पढ़ना शुरू कर देंगे और फीस भी कम लगेगा, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इनको भी टी शर्ट, बैग, आईडी कार्ड, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा, DPPs मिलेगा, बिल्कुल वो सारी चीजें होंगी जो बाहर जाके बड़े बड़े कोचिंग में आपके साथ होता था। और हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। पता है, आप जब रिजल्ट लाएंगे ना तो आप सैकड़ों बच्चों की उम्मीद बन जाएंगे, पेरेंट्स का लाखों रुपए बचेगा,
अगले बार लोग एग्जांपल देंगे कि अच्छा इस बच्चे ने तो यहीं से पढ़ के कर लिया था, तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है। पेरेंट्स का ना आप यकीन नहीं करेंगे, अगर कोई 40-50 रुपए भी कमा रहा है, झारखंड की तो पर कैपिटा इनकम जो है वो 12-13 हजार रुपए है। 12-13 हजार रुपए वो कमाने वाले अभिभावक किस तरीके से लाखों रुपए की फीस देते हैं, आप इसको इस दर्द को महसूस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो प्लीज आप जितना सीरियसली हो सके, जल्दी हो सके पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हो भी चुका है, वो पूछ रहे थे कि ड्रॉपर्स बैच में हम एडमिशन, ड्रॉपर्स बैच आप शुरू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बिल्कुल कर रहे हैं, हम ड्रॉपर्स बैच जेई का, नीट का और एनडीए का शुरू कर रहे हैं 16 अप्रैल से। और इसका जो पहले 30 स्टूडेंट का जो फीस होगा, देखिए इसमें ये सीट्स बहुत लिमिटेड है, हम 40-40 बच्चे से ज्यादा लेंगे नहीं। तो पहले 30 बच्चे का जो फीस होगा वो होगा 14,999। हाँ मुझे पता है ये फीस बहुत कम है, और एक बार तो एक पेरेंट आए, उन्होंने मुझसे कहा कि सर इतने कम फीस में आप जेई पढ़ा देंगे। तो मुझे तो ये मेरी उपलब्धि लगी, क्योंकि पिछले साल मैंने अपने बैच में अनाउंस किया था, पिछले साल हमारा फीस ज्यादा था, तो मैंने अपने बैच में अनाउंस किया था कि मैं फीस को कम करना चाहता हूं, और मैं इतना कम करना चाहता हूं फीस को कि किसी को यकीन ना हो कि इतने पैसे में कोई पढ़ा कैसे सकता है, और क्वालिटी ऐसा देना चाहता हूं कि किसी को यकीन ना हो कि इतना अच्छा कोई इस शहर में पढ़ा कैसे सकता है। तो ये हमारी उपलब्धि है, तो फीस इतना ही है। उसके बाद ये फीस बढ़कर अगेन 17,500 हो जाएगा, अगेन इनको टी शर्ट, बैग, आई डी कार्ड, स्टडी मटेरियल मिलेगा। मेरी आपसे दरखास्त है एक, कि सारा जो खेल है ना वो दिमाग का है। कई दफा हमें ऐसा लगता है कि हम छोटे जगह से हैं तो यहां से रिजल्ट नहीं आ सकता, तो मैं आपको सिर्फ एक उम्मीद देना चाहता हूं, और अगर किसी की बात पर विश्वास ना होना मुझ पर विश्वास करना। आप मैं जो कह रहा हूं बड़े ईमानदारी से और बड़े प्योर मन से कह रहा हूं कि छोटे जगह से ही रिजल्ट होता है, क्योंकि जो कैदी होते हैं ना उन्हीं को आजादी का मतलब पता। मुझे पता है कि आपके परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, मुझे पता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, मुझे पता है कि आपको सुविधा और साधन नहीं मिला है। एक बार अगर सुविधा साधन मिल जाए, लग के 2 साल पढ़ लो, तो ये 2 साल अगर ढंग से पढ़ लिया आपने तो आपके आने वाली 60 साल की जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई जो है ना आपके लिए एक औजार है, औजार है अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने की। उन लोगों के मुंह पे तमाचा होगा आपका सक्सेस जो आप पे विश्वास नहीं करते, उन रिश्तेदार के मुंह पे तमाचा होगा जो आपको आज नीचा दिखाते हैं, है ना। तो पढ़ाई हमारे लिए तो औजार है, खुद को साबित करने का एकमात्र विकल्प जो है ना वो सिर्फ पढ़ाई है। तो 2 साल जो है, आपने 10th तक कैसे पढ़ा मुझे नहीं पता, और थोड़ा मस्ती मजाक में ही पढ़ा होगा आपने, लेकिन 11th 12th अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, अब बारी है थोड़ा सीरियस होने की। ये बस 2 साल सीरियस हो जाइए, मुझे पता है कि इसके बाद आपको कॉलेज मिलेगा, आप IIT जाएंगे, NIT जाएंगे, नीट के किसी कॉलेज में जाएंगे, वहां पे कॉलेज में कोई पढ़ता नहीं है, बड़ा नॉन सीरियस पढ़ाई होता है, वो एक अलग लेवल का थोड़ा मस्ती मस्ती वाला पढ़ाई होता है। जो सीरियस वाला जो पढ़ाई है ना, ये सिर्फ 2 साल है। लग के मिल के साथ में मेहनत करेंगे, रिजल्ट लाएंगे, और एक आइए नई जर्नी की शुरुआत करते हैं सेकंड स्कूल के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, नए उमंग के साथ। मिलते हैं आप इस डेट्स में, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, आपको इनवाइट किया जाएगा, मिलते हैं बहुत जल्दी सेकंड स्कूल में, और आपके सपनों की एक नई उड़ान देते हैं। थैंक यू सो मच।